इस वीडियो में एनसीईआरटी मैथ कक्षा 10 एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। निम्न समीकरण के युग्मों को विलोपन विधि से हल कीजिए। जिसको फर्स्ट समीकरण जो दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, इसको हमने फर्स्ट समीकरण मान लिया। इसको सेकंड हमें विलोपन विधि से इसको सॉल्व करना है, यानी कि विलोपन विधि से सॉल्व करना है तो हम या तो x या y दोनों समीकरण में से x का अगर लेते हैं तो x के गुणांक को आपस में बराबर करते हैं या फिर y का, ठीक है। तो हम x का अगर बराबर करना है तो इस समीकरण को अगर हम 2 से गुणा कर दें तो ये 2x यहां पर है और 2x ये भी हो जाएगा, यानी कि इक्वल हो जाएंगे। तो समीकरण फर्स्ट को 2 से गुणा करने पर, यानी समीकरण फर्स्ट को 2 से गुणा करने पर, यानी 2 से गुणा कर दिया तो ये आ गया 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब ये समीकरण थर्ड हो गया। समीकरण थर्ड से समीकरण 2 को हम घटा देंगे तो जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, ऐसे रहेगा। और ये दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। यहाँ जब घटाना है तो माइनस लगाएंगे तो ये पहले से माइनस है इसलिए प्लस हो जाएगा और ये माइनस। 2x 2x बराबर है और प्लस माइनस इसलिए कट जाएगा। अब 3 प्लस में है और 2 प्लस में है तो ये हो जाएगा 5y और ये 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो ये बचेगा 6 केवल, यानी कि y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 6/5। ये y का मान मिल गया। y का मान हम समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं तो समीकरण फर्स्ट हमारा है ये x प्लस y इज इक्वल टू 5। तो y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में जब रखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5। 6/5 को उस तरफ करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 25 माइनस 6/5 x इज इक्वल टू हो जाएगा 19/5। ये x और y का मान हमको मिल गया, यही दोनों मान निकालने थे।